वो फंस गया बेचारा, हेल्प करी ना। ज्यादा फ्लड आया ना जगह जगह पे, लिटरली यहाँ पे पीछे देखो ग्रीनरी ग्रीनरी रोड, सामने भी ग्रीनरी। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, दिस इज योर डी हेडिंग टूवर्ड्स अ न्यू डेस्टिनेशन। सो भाई आज मैं घर में बैठा था फ्री, मौसम आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो कठुआ मुझे एक छोटा मोटा काम था। पहले मैं सोच रहा था कि एक दो दिन बाद जाना है तो जाके काम खत्म कर लेंगे, बट फ्री है, मौसम भी आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो मैंने बोला चलो यार निकल ही आते हैं, काम भी हो जाएगा बहाने से, थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा कि घर से मैं जस्ट निकला था तो मैंने सोचा साइड में रोक के छोटा सा एक पहले ब्लॉग कर लेता हूँ। घर से निकला हूँ, भाई को पिकअप करूँगा, अपने कज़न को पिक करूँगा रास्ते से, देन थापा भाई को पिक करूँगा और सीधा निकल जाएंगे हम कठुआ के लिए। तो ठीक है भाई चलते हैं, मिलते हैं आपको सीधा कठुआ चल के। और बात करूं मौसम की तो आज सुबह से मौसम लिटरली काफी ज्यादा अच्छा मौसम हुआ पड़ा है। जब मैं जिम गया था तब बारिश नहीं थी, जिम से मैं सुबह जैसे ही वापस आया हूं तो ठीक ठाक बारिश लगी थी और मैं पूरा भीग गया था लिटरली। सो ठीक है भाई, पहले मैं अब जाता हूँ दोनों को पिक करता हूँ, देन करता हूँ मैं आपसे बात। हेल्प करी हेल्प करी जाओ भाई आप करो वो तेरा ये अमरेंद्र बाहुबली ये फंस गया बेचारा, और ना उतरने लायक ना जाने लायक, जा हेल्प कर चल। बारिश पता नहीं कितनी है लेकिन बारिश की वजह से इतना ज्यादा फ्लड आया ना जगह जगह पे, लिटरली यहाँ पे पीछे देखो पानी ही पानी है, जितनी दूर आप देखो आपको पानी ही पानी देखने को मिल रहा है भाई। पहले हम सांझी मोड़ से खानपुर को रोड जाता है, पहले हम उस साइड गए थे, वहां पे भी लिटरली इतना ज्यादा पानी था, वहां पे जो उनकी पुली सी है स्लैब है वहां पे तो इतना ज्यादा पानी आया था कि वहां से तो गाड़ी क्रॉस की नहीं। अब भाई बनियाड़ी से हम कठुआ को जा रहे हैं और यहाँ पे भी ठीक ठाक पानी है, मतलब आप देख सकते हो पीछे यहाँ तक आपकी नजर जा रही है, वहां तक आपको यहाँ पे पानी देखने को मिल रहा है। और ये हमारा कैमरामैन और वो देखो वो अपना लगे हुए हैं, हेलो। तो भाई प्लान में आया एक छोटा सा चेंज, मैं हंस इसलिए रहा हूँ, इससे पहले मैंने 3 मिनट रिकॉर्ड किया इतना अच्छा बोल के रिकॉर्ड कर, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ यार, हद होगी। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बड़ी बार ऐसा होता है कई बार मैं रिकॉर्ड करता हूँ ऑडियो नहीं आती, कई बार मैं रिकॉर्ड कर रिकॉर्डिंग बटन ही नहीं ऑन करता, क्या होगा यार मेरा। सो मैं कह रहा था कि प्लान में आया एक छोटा सा चेंज, पहले हम कठुआ जा रहे थे बट ऑन द स्पॉट एक छोटा सा काम पड़ गया दयालचक, फिलहाल हम आए हैं दयालचक SBI बैंक में, एक दो डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे देने वाले, भाई अंदर गए हैं वो डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स देखे। अब कठुआ तो नहीं जाएंगे भाई क्योंकि कठुआ जाएंगे तो थोड़ा लेट हो जाएंगे, यहीं से दयालचक के थोड़ी सी ऊपर जाते हैं, थोड़ा इंजॉय करते हैं, घूमते फिरते हैं, कुछ खाते पीते हैं क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा अच्छा है, कोशिश हमारी यही है कि आज हम वेदर को अच्छे से इंजॉय कर लें। ठीक है तो ठीक है जल्दी से यहाँ का काम खत्म करके निकलते हैं और मिलते हैं आपको आगे चल के। तो भाई घूमते घूमते हम थोड़ा सा आगे निकल आए हैं, मौसम इतना ज्यादा अच्छा है, मजा बड़ा ज्यादा आ रहा घूमने, बट प्रॉब्लम एक हो रही है हमें कोई खाने का ठिकाना नहीं मिल रहा, कोई अच्छी लोकेशन मिले यहाँ पे हम बैठ के थोड़ी देर बैठे बातें करें खाएं पिएं, कुछ भूख लग रही है बहुत ज्यादा। एक्चुअली सुबह मैं कुछ खास खाना खा के आया नहीं था, सो अब भूख लग रही है बड़ी, देखते हैं कोई लोकेशन अगर मिलती है तो भाई खाते हैं कुछ। एंड भाई व्यू देखो लिटरली A1 व्यू है, इतना अच्छा लग रहा है ना, कैमरे में कैसा दिख रहा है मुझे नहीं पता बट लाइव जब मैं देख रहा हूँ तो इतना मतलब इतना सुंदर व्यू लग रहा है ना देखने में, बिल्कुल सीधा सामने पहाड़ है, ग्रीनरी ग्रीनरी रोड, सामने भी ग्रीनरी। यही व्यूज तो देखने के लिए हम आते हैं भाई, यही तो सही लोकेशंस होते हैं घूमने वाली, सिटी लाइफ है बट ये चीज ये तो प्यार है भाई, दिल के बहुत करीब ऐसी लोकेशंस। तो देखते हैं आप ढूंढ रहे हैं भाई कोई लोकेशन खाने के लिए, कुछ ढूंढते हैं कुछ खाते हैं आपको भी दिखाते हैं फिर निकलते हैं घर को। फाइनली भाई एक लोकेशन मिली है, यहाँ पे बैठे हैं, भूख बहुत ज्यादा लग रही थी, कुछ खाने का ऑर्डर दिया है, खाना आता है खाते हैं। फिलहाल मैं पहले आपको लोकेशन दिखाता हूँ, बाकी बातें बाद में करता हूँ। Thank you.
भाई लोकेशन कैसी है? एक नंबर ब्रो, मजा आ गया। झूठ बोला ना? दोनों ने झूठ बोला है, नोट कर ले, दोनों ने झूठ बोला है। Later that same evening. So भाई टाइम से मैं घर आ चुका था, फिलहाल तो शाम हो रही है, जब से आया हूँ तब से सोया हुआ था, ट्यूशन क्लास थी वो ली, उसके बाद एकदम से फ्री था, सो गया था, रेस्ट की। अब उठा हूँ तो पकड़ लिया वापस अपना कैमरा। सो भाई बात ऐसी है कि गए थे, घूमे फिरे, बड़ी मौज मस्ती की, और मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, हर मोमेंट को रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होता और ना ही हम कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं बट जीना भी एक ज़िंदगी होती है, जीना भी एक बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज़ होता है। सो हम आज थोड़ा सा जीने में बिजी हो गए थे। सो इन्जॉय किया, काफ़ी ज़्यादा मस्ती की थी, तो टाइम से हम घर आ गए थे। और कठुआ जो एक छोटा सा काम था वो काम था ये, एक तो वहाँ से सप्लीमेंट उठा के लाना, मसल ब्लेज का फिलहाल मैं रॉ यूज़ कर रहा हूँ, तो ये सप्लीमेंट उठा के लाना था। 2-3 ऑर्डर्स थे सप्लीमेंट के, लोगों ने प्लेस किए थे, वो ऑर्डर्स उनको डिलीवर करवाने थे, ये काम था। पर अगर आपको भी चीप प्राइस में, जेन्युइन रेट में एक जेन्युइन प्रोडक्ट चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या अपना कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको सप्लीमेंट आपकी लोकेशन में डिलीवर हो जाएगा जेन्युइन प्राइस में और जेन्युइन ओरिजिनल क्वालिटी प्रोडक्ट, बिल्कुल QR स्कैन करके एकदम मतलब टेस्टेड। सो भाई रॉयल इनफील्ड की लॉन्च इवेंट तो आपने देख ही ली होगी। अब मुझे थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि मैंने जो अपनी बाइक है वो थोड़ी सी जल्दी ले ली थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यू एंड एडवांस फीचर अब उन्होंने रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 में दिए हैं, जैसे कि डिजिटल मीटर आया उसमें, ठीक है, फिर फ्यूल मीटर भी दे दिया। भाई मैंने तो अपने जो बाइक है उसे बहुत बार धोखा खाया हुआ है जस्ट फ्यूल को लेकर, क्योंकि पता नहीं लगता भाई बाइक में कितना फ्यूल है कितना नहीं है। सो ये एक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी। बाकी जो उसकी सीट्स हैं, सीट्स में भी काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है, मतलब ओवरऑल मैं एक बाइक का रिव्यू वीडियो बनाऊंगा, कंपैरिजन करूंगा मैं अपनी BS6 का जो ओल्डर मॉडल है और जो अब न्यू मॉडल आया है, इन दोनों का मैं कंपैरिजन करूंगा। जल्दी ही आपको मेरे चैनल पे वो वीडियो भी देखने को मिलेगी, बट आई जस्ट लव्ड इट, लाइक्ड भी नहीं, लव्ड इट, ठीक है, क्योंकि मुझे इतनी ज्यादा पसंद आई है। हाँ पीछे से थोड़ा सा मतलब जो उसका स्ट्रक्चर है वो मुझे ठीक नहीं लगा, बट ठीक है भाई, अब बहुत सारे फीचर उन्होंने एक्स्ट्रा दिए हैं बीच में, जैसे फ्यूल मीटर हो गया, आगे से उन्होंने उसका जो ओडोमीटर वाला स्पेस है वो भी थोड़ा सा चेंज किया, तो मुझे बड़ा ज्यादा अच्छा लगा देख के। सही है भाई, काश मैं वो ले पाता इस। मेरा ब्लॉग हर थर्सडे को आता है, सो इस ब्लॉग आने से पहले आपको सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में पता लग गया होगा। सो भाई जिंदगी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, मेरा वो बहुत ज़्यादा फेवरेट था, एक आसिम और एक सिद्धार्थ शुक्ला, जिन दोनों की वजह से शायद मैं थोड़ा बहुत बिग बॉस देखता था, अदरवाइज मैं देखता नहीं हूँ। सो रेस्ट इन पीस टू हिम, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जो भी हुआ बुरा हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था, बट लाइफ है भाई, कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। सो प्लीज़ यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, ठीक है, अच्छी न्यूट्रिशन लें, जितना अच्छा आप इस ज़िंदगी को काट सकते हैं जी सकते हैं प्लीज़ जियो। एंड अगर आपके माइंड में कोई ऐसी लोकेशन है जिसको आपको लगता है कि उस लोकेशन के लिए मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए, सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आजकल सिर्फ संडे को फ्री होता हूँ, संडे को एक ऐसा टाइम होता है जब मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। ये वाली वीडियो थोड़ी सी लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा काम था, बिजी था थोड़ा सा। प्लीज अगर कोई ऐसी लोकेशंस हैं जिनके बारे में आपको लगता है कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए, सो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाएं और मुझे जरूर सजेस्ट करना ताकि मैं उन प्लेसेस पे विजिट कर सकूं। सो भाई फिलहाल मैं रॉयल एनफील्ड की ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर रहा था, लिटरली मतलब बड़ा ज्यादा ऐसे क्रेविंग हो रही है इस बाइक को फ्रंट टू फ्रंट देखने का, मतलब चलाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, क्योंकि है ये मैंने फिलहाल डार्क स्टेल्थ ब्लैक खोल के रखा है, मेरी भी स्टेल्थ ब्लैक है, लेकिन बट इस बाइक में थोड़ा सा क्रिस्प है, मतलब बड़ी ज़्यादा। एक तो इसकी सीट देखो आप, सीट में इतना डेंजरस कर्व दिया ना उन्होंने, सीट मुझे इतनी सही लगी है ना, A1 सीट है यार। और ऊपर से इस बार जो उन्होंने ब्रेक का पैडल है, पैडल भी पहले साइलेंसर के नीचे से आता था, अब जो पैडल है वो साइलेंसर के ऊपर से इन्होंने बनाया हुआ है, कुछ यहाँ पे तो कुछ ऐसा ही देख के लग रहा है। बट ओवरऑल जो डिज़ाइन की बात करूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन लगा भाई, एक नंबर है भाई, मतलब A1। ग्रीन कलर ठीक है बट इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगा मुझे,
ना ही ग्रे इतना अट्रैक्टिव। ये मार्श ग्रे कलर भाई, ये जो मार्श ग्रे कलर इन्होंने निकाला ना, कह रहा सिग्नल्स मार्श ग्रे, डेंजरस कलर है भाई, मतलब तबाही। आई थिंक ये बहुत ज्यादा कलर बिकने वाला है। पहले गन मेटल ग्रे आता था इसकी शेड में, अब भी वो है, लेकिन ये कलर उससे ज्यादा बिकेगा, मुझे देख के ऐसा फील हो रहा है, पता नहीं गट फीलिंग सी आ रही है। कलर है ही बहुत प्यारा है, डेजर्ट सैंड ठीक ही है, एवरेज, थोड़ी पिंकिश शेड दे रहा है जो कि मुझे खास ठीक नहीं यहाँ लग रही। अरे भाई ये भी से ग्रीन भी बड़ा अच्छा है, कलर्स तो लिटरली बड़े ज्यादा अच्छे कलर इन्होंने निकाले हैं। एंड जो क्रोम कलर में इन्होंने वेरिएंट निकाले हैं, क्रोम रेड हो गया, क्रोम ब्रॉन्ज हो गया, ये मतलब अल्टीमेट चीज है, क्योंकि स्टील के जब लुक आती है ना बीच में, उसका मतलब कोई मुकाबला नहीं। जो क्रोम की लुक आते हैं जैसे स्टील के इन्होंने दिए हैं, देखो साइलेंसर स्टील में है, जो जैसे मेरा स्टेल्थ ब्लैक है उसमें ब्लैक में आता है, जो स्टील में लुक दी है ये बड़ी ज्यादा डेंजरस लुक देता है, क्योंकि एक तो स्टील की मेंटेनेंस जो है ना वो थोड़ी कम होती है, ब्लैक कलर हुआ थोड़ी सी धूल होती है वो पकड़ लेता है, स्टील की ना शाइन ज़्यादा रहती है, इनकेस अगर वो डल भी हो जाए तो बड़े सारे केमिकल्स ऐसे आते हैं या पॉलिश ऐसी आते हैं जो आप स्टील पे मारोगे तो वो शाइन वापस वैसी आ जाती है। सो ये इनका एक प्लस पॉइंट होता है। जैसे मेरा अब जो साइलेंसर था स्टेल्थ ब्लैक का, उसका जो बेंड था वहाँ पे व्हाइटिश व्हाइटिश सा हो गया, अब वो ब्लैक कलर है उस रीजन से वो साफ नहीं हो सकता, बट स्टील के केस में ऐसा नहीं होता, ये आसानी से साफ हो जाता भाई। सो क्रोम वाले कलर दोनों बड़े ज्यादा अच्छे हैं, एक तो क्रोम रेड हो गया, दूसरा क्रोम ब्रॉन्ज हो गया, अरे भाई लव डेट। सो ठीक है भाई, इस वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ठीक है भाई, जल्दी मिलते हैं आपको एक न्यू वीडियो।